Now we are going to see what are the policy provisions addressing education in Pakistan. Education is the fundamental right of all children. Only the state can provide primary education to all children in a country. हमारे मुल्क पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों को ये हक हासिल है कि जो हमारे तालीमी जो इब्तदाई तालीम है वहाँ से लेके 16 साल की उम्र तक उनको मुफ्त तालीम दी जाए और ये तमाम बच्चों का हक है ख्वाब शहरी हों से ताल्लुक रखते हों या किसी सब अर्बन एरिया से ताल्लुक़ रखते हों सो स्टेट इज़ बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड ऑल ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज टू रिसीव एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान हमारा मुल्क का आन ये कहता है कि हमारे तमाम बच्चों को तालीम का भी हक है और तालीम के जरिए उसको जितनी भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो सब फैसिलिटीज उसको मिलनी चाहिए यानी उसकी हेल्थ भी उसकी केयर उसको अटेंशन मिलनी चाहिए उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए और फिर उसको ऐसी तालीम मिलनी चाहिए जो उसको मुआरे का मुफीद रुकन बनने में मदद दे सो एजुकेशन इज़ अमन रेट प्लेस अविटल रोल हम सब समझते हैं कि तालीम वो ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती हैं तभी यह हर बच्चे का हक है क्योंकि उसको तरबियत मिलेगी उसको ज़िंदगी में उठना बैठना खाना पीना लोगों से मिलना कैसे डील करना है फिर जब वो बड़ा होता है कुछ और इजाफी चीज़ें उसको पता चलती हैं फिर जवानी तक उसको एक कैरियर तलाश करना होता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको तमाम फैसिलिटीज़ आसाइशें और दूसरी सारी सहूलियात उसको मैसर होना है तो उसके लिए अगर उसको तालीम दी जाएगी तो ऐसी बहुत सी रिसर्च है जो हमें बताती हैं कि जितनी ज़्यादा तालीम हासिल की जाती है इंसान अपने करियर में उतना बेहतर आगे जा सकता है सिर्फ करियर ही की बात नहीं है माशरे का मुफीद रकन बनने के लिए भी तालीम सबसे ज़्यादा जरूरी है पढ़े लिखे अफराद ही एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं अपने मुआरे की मदद कर सकते हैं अपने मुआरे के लिए मुफीद और प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं लोगों के साथ अच्छे रवैये रख सकते हैं अपने अपने पे भी बोझ नहीं बनते और अपने मुआरे के लिए भी बोझ नहीं बनते अपनी कौम के लिए भी वो मुफीद होते हैं सो द एटीन अमेंडमेंट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू थाउजेंड टेन ये जो अठारहवीं तरमीम तर्मी, जिसको हम कहते हैं अठारहवीं तरमीम का मकसद ही ये था कि तमाम सूबे और तमाम इलाके जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो अपनी अपने, अपने पापूलेशन या आबादी की तालीम का जिम्मा ले और उसके लिए जितने भी वसाइल चाहिए वो दरकार करें यानी जैसे स्कूल की तालीम है उनकी तमीर है और बहुत सी ऐसी सहूलियात हैं जो स्कूलों के अंदर चाहिए जैसे खेल कूद की हैं जैसे इब्तदाई तलीम की जो सहूलियात हैं वो उनको दी जाएँ बहुत से आपको पता है कि एक्वमेंट चाहिए तालीम के लिए टीचिंग एड्स चाहिए वो तमाम सहूलियात मैसर करना सूबाई ज़िम्मेदारी हो गई मुख्तलिफ प्रोविसेस की सो हम चाहते ये थे एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान कि पाकिस्तान के तमाम सूबों को बराबर के हकूक मिले और हर सूबा अपनी अपनी आबादी की ज़िम्मेदारी ले ताकि कंसनट्रेट होके फोकस करके वो अपनी आबादी की जरूरियात को पूरा कर सके तो तालीम की जिम्मेदारी भी हम उन्हीं पे डालते हैं सो द राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड टू आर्टिकल 25 ए इन द कॉन्स्टिट्यूशन इससे पहले आइन के अंदर इतनी सराहत के साथ या कलेरिटी के साथ ये बात नहीं थी के तालीम का हकूक़ किन किन बच्चों को है तो हमारा जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ए था उसमें बताया गया कि तमाम लोगों को तमाम वो बच्चे जो पाकिस्तान के शहरी हैं उन्हें तालीम देना स्टेट का फर्ज है सो नैशनल एजुकेशन पॉलिसी विच वॉज ऑगमेंटेड इन ट्वेंटी सेवेंटीन प्रोवाइड्स चिल्ड्रन फिजिकल ग्रोथ एंड मैंटल डिवेलपमेंट डिपेंड्स अपॉन स्पेशल केयर एजुकेशन एंड अ गुड इन्वायरमेंट तो अब चूंकि सिर्फ तालीम को हम तालीम नहीं कहेंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि तालीम के ज़रिए तमाम सहूलियात बच्चों को मुहैया की जाएँ जैसे हम बता रहे हैं कि उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी स्कूलों की ज़िम्मेदारी है वो पेरेंट्स को भी तरबियत दें उनको अवेयरनेस भी दें कुछ स्कूलों के अंदर सेहतमंद माहौल हो एनवामेंट जो है वो हेल्दी हो कंडूसव एनवायरमेंट हो बच्चों की केयर की जाए और केयर सिर्फ यही नहीं है कि उनको आसाइशें मुहैया की जाएँ बल्कि उनके अखलाक उनकी तरबियत जो है वो की जाए और उनके अखलाक़ बेहतर किए जाए ताकि वो जब स्कूल के अंदर इदारे के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लक रखेंगे तो वही बच्चे स्कूल से बाहर जाकर अपने मुआरे में भी अच्छे तल्लक दूसरों के साथ रखेंगे और फिर ये कि उनको हुनर सिखाए जाएँ उनको स्किल्स सिखाई जाएँ कैसे इल्म हासिल करना कैसे है उसके रिसोसेज़ क्या हैं चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है और जो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि चीज़ों को बचाना कैसे है सस्टेन कैसे करना है हिफाजत कैसे करनी है रिसोर्स की ख़्वा वो रिसोस उनके घर के हों खा वो रिसोर्स उनके इदारों के हों तो हर तरह की तलीमो तरबियत जो है वो इदारों का फर्ज है बच्चों के लिए सो यू एन सी आर सी कमेटी वर्स ऑल्सो वर्किंग अब यू जो है ये पूरी दुनिया के लिए इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन तो उन्होंने बच्चों के हकूक़ के लिए पूरी दुनिया में एक कन्वेंशन बनाया है और हमारा मुल्क भी उसका सिग्नेटरी है हमने वादा किया है उनसे कि हम अपने बच्चों की तालीम का ख्याल रखेंगे यानी इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं वो बनाए जाएंगे अपनी आबादी के हिसाब से और उनको बेहतरीन सहूलतें मुहैया किया जाएंगी